शो अनुपमा की कहानी में एक से बढ़कर एक नए तड़के लग रहे शो के ढाल फिलहाल ट्रैक में, जहां आपको बता दे पाखी जो अपने पापा वनराज के काफी करीब है और वो ये चाहती है कि उसके मम्मा पापा कभी अलग ना हो, उसके पापा पूरे परिवार के साथ ही रहे ना कि काव्य के साथ। लेकिन इस बार वनराज को उसकी गलती का एहसास उसकी बेटी पाखी करवा सकती है। जब पाखी अपने पिता से ये कह सकती है कि वो आपसे अलग नहीं रहना चाहती माँ, और वो आपके साथ ही रहना चाहती है, यहाँ तक कि आपको काव्य को छोड़ना होगा और आप हमारे पास आ जाइए। लेकिन वनराज इन सब के चलते काफी परेशान है, क्योंकि वो तो एक तरह से धोबी का कुत्ता बना हुआ है, ना तो घर का है ना घाट का। और इन्हीं सब के चलते काव्य और अनुपमा के बीच में पिस रहा है वनराज। क्या करने वाले वनराज इन सब के चलते? क्या पाखी के जरिए वनराज को अपनी गलती का एहसास हो पाएगा? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल।